कि बार बार जो बिहार की बात आती है, 10 साल तक 15 साल तक लालू जी का रीजन रहा, 17 साल तक आप लोग बीजेपी के साथ गठबंधन करके चले, लगभग 18वां साल होने वाला है। सच्चाई बताइएगा सर इसमें कि बिहार के लोगों को क्या मिला है? आप लोग तो राजनीति करते हैं ये अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि आज भी बिहार बदहाली की स्थिति से जूझ रहा है। दोनों के बीच कोई गैप नहीं था, हम दोनों शरीर हम लोगों का दो है, आत्मा हम लोगों की एक ही रही है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। उनकी भी व्यवस्था वैसे ही है, आज तमिलनाडु का हम लोग बात अगर कर ले या फिर दिल्ली कोलकाता मद्रास कहीं की भी बात करें, बिहारी आज भी मजदूरी करने के लिए वहां जाते हैं। इस व्यवस्था पे कभी आप लोगों ने सोचा है गंभीरता से, और क्या निकल पाएगा इन सारी चीजों से? राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक मजबूत केंद्र के बात हो रहे हैं उभरेगा। अगर सिवान में टिकट की जब बात आएगी आपकी पार्टी से, तो क्या उस वक्त एक नया चेहरा दो हम लोग रमेश कुशवाहा को देख सकते हैं क्या लोकसभा? नहीं, उपेंद्र जी हमारे बहुत पहले से, उनसे हमारा एक मित्रोत्त संबंध रहा है और 2005 से भी उनके साथ हमारा संबंध रहा है, चाहे वो जिस दल में रहे हों। तो बीजेपी का समर्थन भी सत में रहेगा, अब किनके साथ रहेगा नहीं रहेगा तो मैंने पहले ही बता दिया कि अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ है। अभी तो हम लोगों की पार्टी की बैठक इस यात्रा के बाद होगी, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। 2023 का ये साल अगर देखा जाए तो ये चुनावी साल कहा जाएगा, इसलिए कि अब इसके बाद 2024 और यही जो है कि देश की राजनीति को तय करता है। 5 साल पूरा हो रहा है इस केंद्र सरकार की, लेकिन अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में इस बार लगभग देखा जाए तो सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम इस बार सरकार बनाएंगे, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो अभी महागठबंधन है उसको लेकर के चर्चा चल रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, उनके बड़े सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा, जिनका पहले पार्टी था रालोसपा, अब वो उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके और अपनी पार्टी उन्होंने खुद बना लिया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि RLJD उन्होंने इसका गठन किया है, और अब वो एक तूफानी दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार में। पहला उनका प्रोग्राम हुआ अभी तरहवा गांधी जी के आश्रम से, और उन्होंने उसका नाम दिया है विरासत बचाओ नमन यात्रा। हालांकि आम लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक गणितज्ञ जो होता है, जिस तरीके से गणित का मामला समझता है, एक राजनीतिज्ञ भी है कि इस मामले को समझ सकता है। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक, जीरादी के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा हैं, उनके बड़े सहयोगी हैं और यूं कहा जाए तो पार्टी के सेकेंड लाइनर ही माने जाएंगे। मैं इनसे इस बात को समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से बिहार में फिर से एक नई पार्टी का उभार हो रहा है, ये पार्टी आखिर कितना दिन तक चलेगी और लोग इस पर कैसे विश्वास करेंगे? बहुत स्वागत है आपका। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने जो एक नई पार्टी का गठन किया है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, आप जानते ही हैं कि बिहार की धरती समाजवादी आंदोलन की धरती रही है, और यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी के समय से ही कहा जाए तो समाजवादी आंदोलन बड़ी मजबूत रहा है। आज स्थिति ये आ गई कि यहाँ की जनता कुमार जी पर काफ़ी विश्वास किया, उनको चौथे बार मौका भी दिया, लेकिन जो विरासत है समाजवादी आंदोलन का, उस विरासत को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी आंदोलन की जो विरासत है, हमारी पुरखों की जो विरासत है, जिन लोगों ने बिहार को संवारने में, बिहार को मजबूत करने में, बिहार को समृद्ध करने में, सामाजिक न्याय को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाई, उस विरासत को अब माननीय नीतीश कुमार जी सुरक्षित रखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इन्हीं संदर्भों में, इन्हीं परिस्थितियों में राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण हुआ है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। विरासत अगर बचाने की बात आ रही है तो उपेंद्र कुशवाहा इस विरासत को क्यों बचा रहे हैं? अगर देखा जाए तो लॉ कुश की एक जोड़ी थी जिसके मजबूत आधार पर नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड को चलाया, जैसे कि हम लोगों ने एक भाषण भी सुना था अभी उपेंद्र जी कुशवाहा जी का। तो सवाल है कि आखिर कुशवाहा और कुर्मी जो एक मामला चलता है, तो उसमें उपेंद्र जी को क्यों लग रहा है कि इस विरासत को हमें बचाना चाहिए, वो भी अपनी अलग पार्टी बना करके? देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी ने तो, उपेंद्र जी खुद ही कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों तक अच्छा काम किया, और जहाँ तक नीतीश जी की बात है तो उनको अपना उत्तराधिकारी अपने ही परिवार में खोजना चाहिए था, वो दूसरे के घरों में अपना उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति आ गई कि इस विरासत को बचाने की जरूरत आ पड़ी उपेंद्र कुशवाहा
जी को, और उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत उचित समय पर उचित निर्णय लिया है। यानी कि विरासत का खतरा, यानी कि आप लोग जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, या अगर नाम भी, हमने सुना कि लालू जी के ऊपर बार बार वो बात कर रहे थे कि उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री है अभी, तो उनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, हालांकि परोक्ष रूप से नहीं कहा है उन्होंने, अपरोक्ष रूप से ही कहा है, तो क्या इस बात का डर आप लोगों को सता रहा है क्या कि अगर कहीं ना कहीं उसके लगाम हाथ में चला गया राजद में तो फिर से वही माहौल आएगा और आप लोगों का विरासत सुरक्षित नहीं हो पाएगा? देखिए, डर की कोई बात नहीं है और डर से राजनीति होती भी नहीं है, लेकिन लोगों ने तो देखा है ना, 15 वर्षों का वो मंजर लोगों को याद है, पूरे बिहार के लोगों को याद है। वो नहीं लोग चाहते हैं कि फिर बिहार पुराने रास्तों पर आवे और पुराने दिन वो लौटे, लोग नहीं चाहते हैं। बात तो यहाँ ये भी आ रही है ना कि उपेंद्र जी को मतलब नीतीश कुमार जी ने तिरस्कार कर दिया, हटा दिया उनको, राज्यसभा में नहीं भेजा, मुख्यमंत्री के देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री की दावेदारी अंदर से कर रहे थे तो इसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, तो शायद कि इसी को लेकर के खुंज में आकर के उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई खुंज नहीं है, वो तो थे ही, वो तो MLC थे ही, सब लोग तो भाई MLC बनने के लिए राज्यसभा में जाने के लिए संघर्ष करते हैं। वो तो 3 बार केंद्रीय, 1 बार केंद्रीय मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 1 बार राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस बार MLC पद से इस्तीफा दे दिया, और वहाँ से इस्तीफा देकर को सड़क में आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, आंदोलन का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। इसमें कहीं मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं थी तत्काल, ऐसा वो ये चाहते थे कि जो ये धारा है इसकी अगुवाई माननीय नीतीश कुमार ही करें, लेकिन नीतीश कुमार नहीं करना चाहते हैं, वो थक गए हैं। अच्छा, एक बात तो आप बताइए सर कि बार बार विपक्ष ये बात कहता है कि नीतीश जी पे विश्वास करना बड़ा परेशानी की बात है, इसलिए वो एक जगह टिकते नहीं है, और एक बार आप लोग पार्टी बना लिए तो क्या लग रहा है कि अगर बाई देवे फिर से अगर नीतीश जी आप लोगों को समर्थन कर दें तो उस वक्त क्या मंजर होगा, फिर आप लोग विलय कीजिएगा क्या? देखिए, ऐसे तो कहिएगा तो पूरी सोसाइटी में इस बात की चर्चा है कि नीतीश जी फिर न पलटी मार दें, है कि नहीं, तो खैर उस समय देखा जाएगा, उस समय क्या होगा नहीं होगा तो समय के अनुसार पार्टी अपना डिसीजन लेगी, लेकिन हमें जो लगता है, हमारा व्यक्तिगत जो मामला है कि नीतीश जी की पारी अब समाप्त हो गई है, नीतीश जी की पारी अब खत्म हो गई है, और 2025 के बाद शायद वो राजनीति में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो पारी खत्म हुई है कि विश्वसनीयता खत्म हो गई है? एक तो देखिए उनका उम्र का भी तकाजा है, और दूसरी बात है कि रियल में उनकी पारी समाप्त हो गई है, जनता में आप कहिएगा ना तो उनके जनाधार उनके साथ अब है नहीं, उनका खुद का जनाधार उनके साथ नहीं है। पर एक दौर था 2015 में हम लोगों ने देखा, 2010 में देखा कि नीतीश कुमार की इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती थी और समाज का सबसे मोस्ट बैकवर्ड हिस्सा नीतीश जी को अपना हिस्सा मानता था, लौकुश तो था ही, महादलितों का भी हिस्सा नीतीश जी के साथ था, लेकिन आज आप गांव में जाइए न तो उनके साथ महादलित है, न मोस्ट बैकवर्ड है, और न लौ है न कुश है, उनका अपना लौ भी जो है उनके साथ खड़ा नहीं है। आप चले जाइए बड़रिया, उनका जो केंद्र है, वहां के लोगों से पूछिए कि भाई आप क्या क्या कहना है इस पर, आपका क्या मंतव्य है, लोग बता देंगे। नीतीश के पीछे कारण क्या रहा? कारण एक पुख्ता कारण बताएंगे ना आप? इस हाले की ग्रास लेवल पे जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे उन्होंने दारूबंदी किया तो कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जो राजनीति के लोग होते हैं, तो आपके पीछे कुछ ऐसा ठोस प्रमाण है जिससे लग रहा है कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है या लोगों में उनकी पहचान अब खत्म हो रही है? देखिए, हम दो कारण समझते हैं। एक कारण तो यह है कि 10 वर्षों तक माननीय नीतीश जी ने अच्छा काम किया, लेकिन 10 वर्ष बाद 2015 के बाद अगर कहिएगा तो बिहार फिर गतिरुद्ध हो गया है विकास के मामले में, और नीतीश जी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है यहाँ से बिहार को और आगे ले जाने का, तो बिहार एक ठहरा हुआ है, जो विकास का जो सूचकांक है उसमें भी बिहार लगातार अब पीछे की तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे बिहार मजदूरों का हब बनते जा रहा है, पहले से ही था, इधर और थोड़ा सा मजबूत हुआ है। चलिए सर, हम इस पे और हम बात कर लें, अभी जातीय जनगणना हो रही है और आपने लौकुश की बात कहा, अति पिछड़ा की बात कर दिया, महादलित की बात कर दिया,
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक गेम अगर देखा जाए तो चेंजर साबित होने वाला है, जैसे कि लोग इस बात को आकलन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो 2024 का जो भाजपा का जो कार्ट है, भाजपा जो कुर हिंदुत्व पे काम कर रही है, तो क्या उसके कार्ट को तौर पर ये जातीय जनगणना करा रहे हैं क्या, और इसका कितना असर पड़ेगा बिहार के राजनीति पे? देखिए, जातिगत जनगणना का कोई असर नहीं पड़ेगा। जातिगत जनगणना ऐसे हम जातिगत जनगणना के पक्ष में है, भाजपा भी कह रही है जातिगत जनगणना हो, और हमको लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया, और जातिगत जनगणना बीजेपी का विकल्प इसके जरिए नीतीश जी नहीं बना सकते। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसके जरिए पता चलेगा कि सोसाइटी में देखा जाए तो ऊपरी तौर पे इसका पक्ष में है, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो नहीं चाहती है, इसलिए उसका बेस वोट खत्म हो जाएगा। देखिए, वो भीतर से चाहती है कि नहीं चाहती है, उसके तमाम जो सेंट्रल लीडर है या बिहार के जो भी उसके नेता हैं, वो तो जातिगत जनगणना का कहीं विरोध करते हुए नहीं दिखते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हो रहा है तो हो, इस पर कहीं कोई उसका विरोध नहीं है। बिहार में देखिए, हमको लगता है कि इसको बिहार के राजनीतिक समीकरण पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ने जा रहा है ना। देखिए, हम जो समझते हैं कि बिहार एक नए पॉलिटिकल इकोनॉमी की मांग कर रहा है, एक नया राजनीतिक और आर्थिक दिशा की मांग कर रहा है बिहार। कैसे आ गई है? अभी तो एक तरफ देखा जाए तो आप लोग भी अपनी पार्टी को बना करके कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, कई लोगों की नई अभी उभार हो रही है, तो क्या लग रहा है कि इन लोगों से कुछ उम्मीदें हैं क्या बिहार के बदलाव को लेकर? देखिए, पहली बात है कि भाई देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको प्रयोग करने का अधिकार है। प्रशांत किशोर जी भी एक प्रयोग कर रहे हैं, देखा जाएगा कि आगे वो क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जहां तक हमारी बात है, हम लोग चाहते हैं कि बिहार के पॉलिटिकल इकोनॉमी की दिशा पर बातचीत होनी चाहिए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, क्रय शक्ति कैसे बढ़े, इस पर वर्क होना चाहिए, और साथ ही साथ कृषि आधारित जो छोटे मझोले जो उद्योग है, इस पर लगना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि बिहार के जो किसानों की जो आय है या पर कैपिटा जो आय होना चाहिए, उसको बढ़ाया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता जी। चूंकि देखिए, आप लोग बड़ा गंभीर नेता हैं और बड़ा गंभीरता से अपने नेता नेतृत्व करते हैं, अपने 5 साल नेतृत्व भी किया है जिलाधिकारी का। एक चीज हम यहाँ समझना चाहेंगे सर, कि बार बार जो बिहार की बात आती है, 10 साल तक 15 साल तक लालू जी का रीजन रहा, 17 साल तक आप लोग बीजेपी के साथ गठबंधन करके चले, लगभग 18वां साल होने वाला है। सच्चाई बताइएगा सर इसमें कि बिहार के लोगों को क्या मिला है? आप लोग तो राजनीति करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही कि आज भी बिहार बदहाली की स्थिति से जूझ रहा है। आपने एक बात कहा, माइग्रेट मजदूर, उनकी भी व्यवस्था वैसी ही है। आज तमिलनाडु का हम लोग बात अगर कर ले, या फिर दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, कहीं की भी बात करें, बिहारी आज भी मजदूरी करने के लिए वहां जाते हैं। इस व्यवस्था पे कभी आप लोगों ने सोचा है गंभीरता से, और क्या निकल पाएगा इन सारी चीजों से बिहार कभी? देखिए, जिनके हाथों में बिहार, जो लोग बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, सोचना तो रियल उनको चाहिए। हम आप एक विधायक बनकर के बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, सोचना चाहिए उस सरकार को। मैं बार बार मैं कहता हूं कि पिछड़े बिहार को भी अग्रिम चौकी तक पहुंचाया जा सकता है, बशर्ते कि बिहार की जो ठोस आर्थिक कंडीशन है, उस कंडीशन पर खड़ा होकर के बिहार गवर्नमेंट अपना रोड मैप तैयार करे। और मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं बैठ पाएगा, किसी की सरकार बनेगी तो कोई बड़ा उद्योग नहीं बैठा पाएंगे। क्यों, क्या कारण? 15 साल तो लालू जी का राजन रहा, तो अब बीजेपी कहती जंगल राज था। अभी 17 साल तो थे ना बीजेपी जेडीयू के साथ थी ना, डबल इंजन की सरकार थी, उसके बाद भी अगर कुछ यहाँ पे बुनियादी जरूरतें जो थी वो नहीं पूरा हो पा रहा, तो फिर कहाँ कमी रह जा रही है? मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे वो लालू जी की सरकार रही हो या माननीय नीतीश जी की सरकार रही हो, नीतीश जी ने 2 काम किया, जो अच्छा काम किया उसका हम समर्थन करते हैं। एक तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है बिहार में, इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। इन्होंने सड़कें बनाई है, इन्होंने बिजली की व्यवस्था की है, लेकिन इतना ही सा काम नहीं चलेगा। मैं वही बार बार कह रहा हूं कि यहां से बिहार को अब आगे ले जाने की जरूरत है। कौन ले जाएगा?
अब बिहार में देखिए जो ले जाएगा उसी के साथ बिहार की जनता रहेगी आने वाले दिन। बिहार की जनता पे भरोसा करेगी, राजद को देख चुकी है, जेडीयू को देख चुकी है, बीजेपी को देख चुकी है, तो किसको किसके भरोसा किया? लग रहा है कि अब नीतीश कुमार इससे आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। मैंने वही तो बता रहा था, वही तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश का विकल्प लोग खोज रहे हैं और जनता नीतीश जी का विकल्प तैयार कर लेगी 2025। नीतीश जी का विकल्प जो है कि उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं या प्रशांत किशोर हो सकते हैं? ज्यादा चांस उपेंद्र कुशवाहा का ही है कि उपेंद्र कुशवाहा ही अभी बिहार का विकल्प बनेगा। आप एक बात बता दिए सर कि फिर उपेंद्र कुशवाहा को अगर बिहार की जनता चुनती है तो आप लोगों के वोट का बेस क्या है? इससे पहले तो चूंकि आप लोग जेडीयू में थे तो कुर्मी कोयरी कुशवाहा ये सारी चीजें कुछ उसमें माइनोरिटी समाज के भी लोग थे, तो आप लोगों का बेस क्या होगा? आप लोग किस चीज को लेकर के जाएंगे ताकि जनता आपके ऊपर विश्वास कर लेगी? देखिए जहां तक बेस की बात है ना, जब यीशु के साथ आप पब्लिक में जाइएगा तो महागठबंधन जिसको अपना बेस मान रहा है वही बेस इधर दिखाई देने लगेगा। उसमें भी से की जो यादव बिरादरी है मुस्लिम मुसलमान इधर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा थोड़े है। हमारे दल में हर समाज के हर तबका के लोग, ये लौकुश की कोई पार्टी हम नहीं बनाने जा रहे हैं, समाज के सब तबकों की हम पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसमें अगड़े भी रहेंगे, पिछड़े भी समाज के लोग रहेंगे, अल्पसंख्यक समाज के लोग रहेंगे, दलित महादलित सब समाज के लोग रहेंगे। तो किस तरह तय करेंगे आप लोग? नहीं तो देखिए अभी तो हम लोग यात्रा के क्रम में हैं, फिर आपको 15 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है नालंदा से, 20 तक यात्रा चलेगी और फिर यात्रा के बाद हम लोग बैठ करके फिर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। उपेंद्र जी का जब उनका सभा हुआ था तो उन्होंने आपके बारे में कहा था कि मतलब बड़े परिपक्व नेता हैं और हमारे बड़े आदर्श भी हैं। आदर्श तो खैर उन्होंने नहीं कहा लेकिन बड़ा ही सम्मान आपको मिला, तो क्या लगा कि सेकंड लाइनर आप हैं क्या आप इस पार्टी का? देखिए फर्स्ट लाइनर सेकंड लाइनर की बात नहीं है, माननीय उपेंद्र जी हमारे बहुत पहले से, उनसे हमारा एक मित्रत्व संबंध रहा है और 2005 से भी उनके साथ हमारा संबंध रहा है। चाहे वो जिस दल में रहे हों हम जिस दल में रहे हों, हम दोनों के बीच कोई गैप नहीं था। हम दोनों शरीर हम लोगों का दो है, आत्मा हम लोगों की एक ही रही है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। इस नाते हम भी उनका सम्मान करते हैं, वो भी हमारा सम्मान करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आने वाले समय में बीजेपी चूंकि कहीं ना कहीं अपना एक गठबंधन बनाएगी तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो अभी नई बनी है पार्टी, तो आने वाले समय में फिर से बीजेपी का साथ दे सकती है क्या? देखिए इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, जब बातचीत होगी कोई पार्टी का निर्णय होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। उसमें दो चीजें आती हैं, बीजेपी के पास एक ऐसा मतलब मौका आता है कि जब कोर हिंदुत्व पे काम करने वाले लोग होते हैं जो विवादास्पद बयान देते हैं उनको तरजीह देती है। कुछ आपकी भी पार्टी के भी नेता हैं जो कि मंच पे मैंने उस दिन देखा कि वो लोग इससे पहले जब नगर परिषद का चुनाव हो रहा था तो उसमें उन्होंने कोर हिंदुत्व पे बात किया था, पोलराइज करने की बात कही थी, वैसे भी चेहरा आपके साथ है, तो क्या वैसे लोगों को आप लेकर के खास करके और माइनॉरिटी समाज को लेकर प्रभावकारी हो पाएगा क्या आपका पार्टी? देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है बिल्कुल समाजवादी विचारधारा है। हमारे आदर्श गांधी हैं, हमारे आदर्श लोहिया हैं, हमारे आदर्श जयप्रकाश हैं, हमारे आदर्श अंबेडकर हैं। और जो लोग उस ढंग से इस विचारधारा के साथ विचारधारा को आत्मसात नहीं करेंगे शायद बहुत लंबे समय तक हम लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सिवान के बारे में क्या कहा जाएगा? लास्ट में आपसे बस सवाल रहेगा कि सिवान एक ऐसा जगह है, ऐसा एक लोकसभा मतलब जगह यहाँ माना जाता है कि इसका प्रभाव पूरे बिहार पे पड़ता है, तो इसका क्या असर पड़ेगा खास करके अपनी पार्टी में? क्योंकि अभी उपेंद्र जी का जो सभा हुआ था काफी सफल सभा रहा उनका, तो इसका प्रभाव क्या रहेगा सिवान का? देखिए सिवान में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसके साथ एक अच्छा सोशल बेस यहाँ उनको मिल गया है। आप देखे होंगे कि उस दिन लौकुश ही नहीं था, उसमें दलित भी गए थे, उसमें यादव समाज के भी लोग थे, उसमें अल्पसंख्यक समाज के भी लोग थे, समाज का हर तबका गया था। तो उस पार्टी को यहाँ एक नई जमीन मिलेगी और लगता है कि उत्तर बिहार में सिवान राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक मजबूत केंद्र के बात और यहाँ उभरेगा। अगर सिवान में टिकट की जब बात आएगी आपकी पार्टी से तो क्या उस वक्त एक नया चेहरा दो हम लोग रमेश कुशवाहा को देख सकते हैं क्या लोकसभा के तौर पे? देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ से पार्टी लड़ने का फैसला लेगी तो निश्चित रूप से इस पर विचार हम करेंगे। पार्टी उस वक्त की बन जाएगी तो बीजेपी का समर्थन भी सत में रहेगा।
अब किनके साथ रहेगा नहीं रहेगा तो मैंने पहले ही बता दिया कि अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ है। अभी तो हम लोगों की पार्टी की बैठक इस यात्रा के बाद होगी, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन इतना तो जानते हैं कि अभी पूरे देश की राजनीति जो है गठबंधन के दौर से ही गुजर रही है। अब देखिए होगा नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन दौर तो वही है। आपने सुना ये पूर्व विधायक हैं रमेश कुशवाहा जी, और बहुत परिपक्व नेता ही माने जाते हैं, और इनकी परिपक्वता का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो अभी नई पार्टी का इन लोगों ने गठन किया है, इस गठन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ये देखना है कि इस पार्टी का मतलब कितने दिनों तक ये पार्टी चलती है, इसलिए कि लोगों का संशय भी रहता है, नई पार्टी आती है जाती है, लेकिन उसके बाद जिस विचारधारा और जिस रणनीति को इन लोगों ने दिखलाया है उसमें तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पे नीतीश कुमार जी का जो विकल्प है उपेंद्र जी को तैयार किया जा रहा है। अब ये देखना है कि ये कितना सफल हो पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस की बात इन्होंने कहा, ये भी समय पे इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें तो नहीं बदलेंगी, लेकिन जो बिहार की तकदीर है अब वो बदल पाती है कि नहीं, जैसे कि इन्होंने कहा, अब ये देखना है। लेकिन बाकी आप देखते रहिए आगे की क्या क्या सफर होता है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।